行ってくるでござる。ご分を。バホティスンダレーナ。ナマステ、メレチャンネルメンアップカバハトバハツワガテヘメラナンマヤヘアージメンカマクラアイフンカマクラステーションイエーイと、鎌倉キャホタヘッキー、鎌倉東京系ナズディケ東京製エガンタラクタヘトレインセオール鎌倉メンバラサブッダヘデクネケリバホディチーゼヘオールバホディフォーリナルスピーハンデクネアテヘと、アージメンアプロゴンコ鎌倉プラディカナチャイティフンチケと、シルクリअभी कमा क्रा स्टेशन पहुंच गई हूँ और पहले मैं चेक इन करूँगी यहाँ पे एक दिन रुकने वाली हूँ ठीक है और बहुत ही बड़ा सा सूटकेस है तो पहले चेक इन करके होटल में पूरा सामान रख के चले जाऊंगी ठीक है गेस्ट हाउस पहुंच गई हूँ चलो अंदर चलते हैं अभी गेस्ट हाउस पहुंच गई हूँ और पीछे侍兵え、これは何ですか武士武士です武士、武士です武士です今何をしてくださってるんですかお兄さんお茶を入れあ、お兄さんお名前は武士で武士でござるかありがとうございますお茶いただきます行ってくるでござるご分をご分をバイバイありがとうございますすいませんおバホでやっちゃゲストハウスターअभी तो बस स्टॉप जा रही हूँ बस से हो कुकुजी नामक एक मंदिर में जा रही हूँ तो मंदिर में ना बहुत ही बम्बूज है तो बहुत देखने में अच्छा लगेगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी ठीक है अरे बस में कोई नहीं है कोरोना वायरस की वजह से ड्राइवर भी मास्क लगाते हैं बस से उतर कर पैदल चल के अब हो कुकुजी नामक एक मंदिर में पहुंच गई हूँ ये है तो अंदर चलते हैं ये पांच ये है जापानी में गोएन कहते हैं और गोएन का मतलब रिलेशनशिप संबंध तो पांच ये डालकर लोगों के संबंध अच्छे हो जाते हैं तो ये डालूंगी ठीक है あ、竹の庭こっちで合ってますね。あ、そうなんですね。竹の庭に配管ですね。はい、配管ですね。ありがとうございます。すごい。बहुत ही सुंदर है ना बहुत ही बाउंस है बिल्कुल जापानी तरीके से बनाया गया है तो अच्छा है ना जापान पर शासन करने वाले आशिकागा फैमिली का एक मकबरा है ये कब्र चट्टान में छेद करके बनाया गया है पीछे बिल्कुल पारंपरिक जापानी बगीचा है ये मंदिर है लेकिन मंदिर के बगल में बहुत ही बड़ा बगीचा है और उसमें बहुत ही बांस है और पारंपरिक बगीचा है यहाँ बहुत ही देखने योग्य है आप भी अगर टोक्यो आते हैं तो जरूर यहाँ आइए ना ठीक है ये त्रिलोक का हचमांगु नामक एक मंदिर है मैं मंदिर कहती हूँ लेकिन जापान में मंदिर दो तरह के होते हैं एक तो शिंतोइज्म के मंदिर और दूसरा बुद्धिस्ट के मंदिर तो शिंतोइज्म के मंदिरों को हम कहते हैं जिंजा हाँ और बौद्ध धर्म के मंदिरों को हम कहते हैं तेरा तो जिंजा और तेरा थोड़ा सा अलग होता है ठीक है तो यहाँ जिंजा शिंतोइज्म के मंदिर है
चलो दिखाती हूँ। चलो अंदर जाके प्रार्थना करते हैं। दिखाऊंगी शुराइन जिंजा में कैसे प्रार्थना करते हैं, ठीक है? ओ मीकू जी तो आज नहीं खरीदूंगी। पीछे जापानीज साके है, ये सब साके अल्कोहल है, निहोंशु कहते हैं। तो शराब बनाने वाले यहाँ पे शराब को देते हैं, अल्कोहल देते हैं। इसका मतलब है भगवान को साके देना, तो इसकी वजह से ये साके सब पवित्र हो जाते हैं, तो अच्छा माना जाता है। बच्चे लोग फोटो खींचने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, स्कूल ट्रिप में होगा। आज नाश्ता नहीं किया और बहुत ही भूख लग रही है, लेकिन अब 10:30 बजे हैं तो दुकान खुली नहीं है, तो अब कौन सूप पी रही हूँ, कौन सूप। अंदर कौन है, कम से कम चबा सकती हूँ, खा सकती हूँ तो। और 11 बजने के बाद मैं लंच खाऊंगी। रिंजाइशु केंचो जी, चलो। अगर अप्रैल में यहाँ आती तो बहुत ही अच्छा सा चेरी ब्लॉसम देख सकते होंगे। लिखा है कि जो भी शरीर में दर्द हो रहा है ना, वहाँ टच करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पीछे ये द्वार बहुत ही सुंदर है ना, सोने का द्वार। ये 400 साल पहले बनाया गया था। अंदर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये द्वार बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। तो बीच में ये जो है ना, ये तपस्या करने वाले की मूर्ति है। एक्चुअली ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ गिफ्ट के रूप में दिया है, तो अब यहाँ मौजूद है। तो बहुत दिलचस्प कहानी है ना। ये घंटा बहुत ही बड़ा है और भारी है, 2.7 टन, बहुत ही भारी है ना। और यहाँ लिखा है लगभग 800 साल पहले ये बनाया गया है, बहुत ही पुराना है ना। अब लंच प्लेस ढूंढ कर चल रही हूँ। चलो कुछ जापानीज पारंपरिक खाना खाना चाहती हूँ, और उसके पास समुंदर है तो शायद काइसेन सी फूड खाना अच्छा होगा। कमकरा में शिरासु नामक छोटी छोटी मछलियाँ बहुत फेमस होती है, तो वो खाने के लिए चलती हूँ। इतिकमास जापानीज रेस्टोरेंट में हमेशा ओशिबोरी है, ओशिबोरी। ये सोया सॉस है, ये छोटी छोटी मछली है ना, हाँ ये बहुत ही फेमस होती है। いただきます。うん、ニチェチャワルヘ
चावल भी ये सीमिर है, ये शीशो है, और ये शिरासु नमक मछली है, और ये सामो, और नीचे चावल है, चावल भी। तो ये भी शिरासु नमक मछली है, इसको फ्राई करते हैं। तो ये भी थोड़ा, हाँ, ये सॉस है। बहुत ही अच्छा है, लेकिन शिरास का वो टेस्ट है ना, ये फ्राई करने से थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे ही खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है सामों का साशिमी, कच्चा कच्ची मछली सामों है। साशिमी में से मुझे सामों ज़्यादा सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि सामों ये जापानीज मछली नहीं है, कहीं और से, यूरोप से शायद आती है सामों साशिमी, फिर भी मुझे पसंद है। वीडियो लंबा हो गया तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी। शिंटोइज्म में भी सरस्वती जी मौजूद है, तो आपको जापानी सरस्वती जी दिखाना चाहती हूँ तो अगले वीडियो सब्सक्राइब करके इंतजार कीजिए, ठीक है? मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय।